महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल औरंगाबाद विभागीय मंडल औरंगाबाद उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा कक्षा 12वीं सितंबर अक्टूबर 2021 सर्वसाधारण और द्विलक्षी व्यावसायिक विषय सुधारित शिक्षाक्रम परीक्षा समय पत्रक जारी हुआ है। आज 16 सितंबर 2021 गुरुवार के रोज इंग्लिश विषय की परीक्षा ली गई है, लेकिन 21 सितंबर 2021 मंगलवार को लिए जाने वाली परीक्षा जिसमें मंडल की गलती से उर्दू और अरबी ये दोनों विषय की परीक्षा एक ही दिन एक ही समय पर आने से दोनों विषय में बैठे परीक्षार्थी परेशानी में आए हुए हैं। इस मामले में न्यूज़ परभणी महानगर ने इस विषय के प्रोफेसर और कॉलेज के प्रिंसिपल को इस बारे में अवगत कराते हुए मंडल के गलती का खमियाजा परीक्षार्थी को ना भरना पड़े इस ओर औरंगाबाद शिक्षा मंडल ध्यान दे और उनका हल निकाले इस तरीके से मांग की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज हम वो मसले पे आए हुए कि आज से 16 सितंबर से 12वीं के जिन बच्चों के एग्ज़ाम रुके हुए पेपर रुके हुए थे, जो बच्चों ने एग्ज़ाम पिछले बारी नहीं दिया था, हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो कोरोना काल के जो बच्चे रुके हुए थे उन्हें सभी को पास किया, लेकिन जिन बच्चों को इताअत नहीं थी, उनकी फ़ीस नहीं भरी गई, उन्हें कुछ मालूम नहीं थे, उन लोगों के बच्चों के आज बच्चे को एग्ज़ाम चालू हो गए हैं। 16 सितंबर को पहला पेपर इंग्लिश का हुआ है जो मॉर्निंग में है 11 बजे से लेकर तो 3 बजे तक का। लेकिन हम आपके सामने, ये दर्शकों के सामने, व्यूअर्स के सामने इसलिए ये बात ला रहे हैं कि आज एक इतना बड़ा महामंडल, जो यानी कि हम पुणे महामंडल से, एक इतनी बड़ी गलती हुई है कि जो उर्दू पेपर है, उर्दू पेपर 21 तारीख को है और वो इवनिंग यानी कि 3 से लेकर 6 बजे तक रहेगा, लेकिन उन बच्चों ने जिन्होंने अरबी लिया तालीम की जो ऐच्छिक जो रहता है विषय, वो भी उन्होंने लिया हुआ है अरबी का, और वो भी 21 ही तारीख को है, 21 सितंबर को, और वो भी इवनिंग यानी कि 3 बजे से 6 बजे तक, यानी ये दोनों पेपर एक ही दिन एक ही समय में दिए गए हैं। तो इसमें बच्चे जो विद्यार्थी है, जो परीक्षार्थी है, वो कन्फ्यूज़ हो चुके हैं कि, और उसी के साथ साथ जो टीचर है अरबिक और उर्दू पढ़ाने वाले, ये भी कन्फ्यूज़ में आ चुके हैं कि भाई इस तरह से एक ही समय में एक स्टूडेंट किस तरह से एग्जाम जो तो एग्जाम दे सकता है। इसलिए ये बहुत बड़ी गलती हुई है पुणे महामंडल की, महाराष्ट्र जो शिक्षण विभाग मंडल की ओर से ये जो गलती आई है, ये गलती को सुधार करने के लिए आज हमारी न्यूज़ परभणी महानगर की टीम जाकिर हुसैन हाई स्कूल के अरबी टीचर और उर्दू टीचर और उसी के साथ यहाँ के प्रिंसिपल से मिलने को आए हुए कि ये गलती है या नहीं है, ये उनसे हम जान के लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए अरबी प्रोफेसर ख्वाजा साहब, हम उनसे पूछेंगे कि भाई आप ये जो आज जो सर जो मामला आया है, उस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? 21 तारीख की को उर्दू का पेपर भी और ठीक उसी 21 तारीख को अरबी का पेपर भी, आर्ट्स का या किसी भी फैकल्टी का बच्चा बैक वक्त दो पेपर का एग्ज़ाम नहीं दे सकता, तो यकीनन ये गलती हुई है और इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास बात यह है कि दोनों पेपर इवनिंग में हैं, अरबी का भी पेपर और उर्दू का भी पेपर 21 तारीख को इवनिंग में, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है और इम्पॉसिबल है, ये बैक वक्त दो पेपर को एक बच्चा अपीयर नहीं हो सकता। तो आपकी ये जो हमारे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल से आपकी क्या अपील है? हम गुजारिश करते हैं मंडल से कि ये जो गलती हुई है इतनी बड़ी, तो इसको दुरुस्त करें ताकि विद्यार्थी मुश्किल में ना पड़े। हमारे साथ जूनियर जाकिर हुसैन स्कूल के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर लतीफ़ खान जो है तो हमारे साथ जुड़े हुए, हम उनसे पूछेंगे कि भाई जो इतनी बड़ी गलती आज जो तो शिक्षण महामंडल की हुई है, तो सर इसमें आप ये छात्राओं को किस तरीके से आप कन्विंस करेंगे या फिर आप इसके बारे में कुछ ऊपर कंप्लेंट करेंगे? आमतौर पे ऐसी गलती बोर्ड से होती नहीं है, लेकिन शायद ये कोरोना काल की वजह से और जो पहले एग्ज़ाम के बाद फौरी करीबी ज़्यादा पीरियड उनको नहीं मिला, ये गड़बड़ में शायद हो सकता है गलती हुई होंगी, ये गलती है, लेकिन इसका करेक्शन हो सकता है। इसमें से बोर्ड एक पेपर कोई या तो उर्दू या अरबी का, दोनों में से का एक पेपर को पोस्टपोन करके आगे डाल सकता है। अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमारे पास आया नहीं है, लेकिन ये करेक्टिव स्टेक है। लेकिन बच्चों में जो आज जो भ्रम जो थोड़ा सा पैदा हुआ है, उसके लिए मैं थोड़ा आपके माध्यम से बोर्ड को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये नोटिफिकेशन इसका या इसका जो भी क्लेरिफिकेशन है, ये अगर फौरन आ जाए तो बच्चों को जो है तो बच्चों का भ्रम जो है, कन्फ्यूजन जो है, वो दूर हो जाएगा। अपने कॉलेज के माध्यम से कुछ शिक्षण मंडल को आप भेजेंगे क्या रिपोर्ट बारे में? नहीं, शिक्षण मंडल को हमने तो ऐसा कुछ अभी तक लेखी में भेजे नहीं है। ये भी हमारे तो एक दो दिन पहले हमने जब ये हॉल टिकट देखे बच्चे का एक, तो उसमें एक बच्चा इत्तेफाक से ऐसा बच्चा है हमारे पास एक, जिसका जो है तो उर्दू और अरबी दोनों भी ऑप्शनल उसके है सब्जेक्ट। ये आर्ट्स फैकल्टी के बच्चों के लिए ख़ास तौर से ये प्रॉब्लम है, क्योंकि साइंस फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी में जो है तो ऐच्छिक जो सब्जेक्ट होता है वो अरबी नहीं है, लेकिन आर्ट्स फैकल्टी में जो है ये ऐच्छिक जिया जिसे ऑप्शनल कहते हैं वो अरबी सब्जेक्ट है। तो ऐसे बच्चों को ये डिफ़िकल्टी आई है कि उर्दू और अरबी का
एक ही वक्त में दोनों पेपर आ गए। हमने अभी तक तो ऐसा कोई तहरीरी उनको वो नहीं दिए, लेकिन अब क्योंकि अब आप हमसे आ चुके हैं, आप एक न्यूज़ में एक अच्छा, आपका एक अच्छा चैनल है जिसकी पहुंच बहुत दूर तक है, तो हम ऐसा समझते हैं कि मंडल इसका कॉग्निजेंस लेके इसका कुछ ना कुछ हाल निकाल देगा। अपने अपने कॉलेज से कितने बच्चे अरबी के लिए पढ़े हुए? अरबी और उसके लिए हमारे पास तो सिर्फ दो बच्चे हैं ऐसे जो अरबी और जिनका, लेकिन हमारा अकेला कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ पर अरबी और उर्दू है। हमारे लोकेलिटी में या ये कहिए कि औरंगाबाद बोर्ड के जो उनका जुरिस्डिक्शन है, इसमें और भी बहुत सारे कॉलेज होंगे, उनके भी ये डिफ़िकल्टीज़ आ सकते हैं। ये सिर्फ दो की बात नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र की बात है, तो लिहाजा ये करेक्शन हो जाएगा ऐसा लगता है। कॉलेज जाने के डॉक्टर जाकिर हुसैन जूनियर कॉलेज के ही हमारे साथ जुड़े हुए प्रोफेसर डॉक्टर सर, हम उनसे भी पूछेंगे कि भाई आज जो छात्राओं के बारे में जो ये भ्रम आ चुका है, इस भ्रम को जो तो आप मंडल तक किस तरह से हमारे माध्यम से आवाम किस तरह देंगे, ये हमारे दर्शकों से व्यूअर से बताइए। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस में आर्ट्स फैकल्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो तलबा व तालिबात हैं, उन तमाम तलबा व तालिबात के उर्दू और अरबी ये दोनों सब्जेक्ट हैं, लेकिन इससे पहले पुणे बोर्ड की जानिब से जितने भी इम्तहान हुए, उन तमाम इम्तहान में अरबी और उर्दू इन दोनों सब्जेक्ट के जो दिन हुआ करते थे वो अलग अलग ये सेपरेट हुआ करते थे। लेकिन हाल ही में या ही ये बात सामने आई, और ये बात उस वक्त सामने आई जब एक तालिब इल्म ने ये शिकायत की कि उसका अरबी और उर्दू का पेपर एक ही दिन है, यानी 21/9/2021 को इवनिंग में मुराद 3 बजे से लेकर 6 बजे तक उर्दू का पेपर है, और उसी दिन 3 बजे से लेकर 6 बजे तक अरबी का भी पेपर है। ज़ाहरी बात है कि कोई भी एक तालिब इल्म एक साथ एट ए टाइम दोनों सब्जेक्ट के पेपर नहीं दे सकता। तो इफ्तिखार साहब के परभनी महानगर इस चैनल के ज़रिए से हम पुणे बोर्ड से ये गुजारिश करते हैं कि वो तलबा व तालिबात की इस परेशानी को देखते हुए किसी एक पेपर को पोस्टपोन करके किसी दूसरे दिन पर जो है तो डाले, ताकि तलबा व तालिबात का नुकसान ना हो। अपने माध्यम से कुछ शिक्षण यहाँ के जिला प्रशिक्षण विभाग को CEO को कुछ आप जानकारी देंगे कि अभी तक लेखी में तो किसी तरह की हमने कंप्लेन नहीं की, लेकिन हमारे वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ खान ने कोशिश इस बात की कि वो औरंगाबाद बोर्ड के सेक्रेटरी से जो है तो बात करें, लेकिन वहाँ के क्लरिकल स्टाफ से तो बात हुई लेकिन सेक्रेटरी साहब से बात नहीं हो सकी। तो बहरहाल हम इफ्तिखार साहब के परभनी महानगर इस चैनल से CEO साहब को या औरंगाबाद बोर्ड के सेक्रेटरी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि वो तलबा व तालिबात की इस मुश्किल को दूर करें और किसी एक पेपर को दूसरे दिन पर पोस्टपोन करके दूसरे दिन मुनक्कद करने की कोशिश करें, ताकि तलबा का नुकसान ना हो। हम आज जिस तरह से यहाँ के डॉक्टर जाकिर हुसैन जूनियर कॉलेज में आए हुए हैं, यहाँ के महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे, इससे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। यह गलती यह हुई है कि आज जो बच्चों ने एग्ज़ाम दे रहे हैं, आज 16 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और इंग्लिश का पेपर आज से चालू हो चुका है तमाम महाराष्ट्र में, और उसी के तहत महाराष्ट्र के अंदर के जो बच्चे उर्दू से यानी कि अरबी जो ऐच्छिक विषय ले चुके हैं उनका पेपर 21 तारीख को ही आया हुआ है, और उर्दू का पेपर भी 21 तारीख को ही है, और दोनों का समय भी एक ही है, इवनिंग यानी कि शाम में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का। तो एक छात्र दो पेपर एक ही दिन किस तरह दे सकता है, एक प्रश्न निर्माण हो चुका है। तो ये महाराष्ट्र बोर्ड की जो बहुत बड़ी गलती है, ये गलती को जो तो शिक्षण संचालक मंडल तुरंत सुधारे, और उन जो छात्र हैं जो आज एग्ज़ाम में बैठे हुए, एक तो आप अरबी का पेपर 21 तारीख को रखें या फिर उर्दू का पेपर 21 तारीख को रखें, इस तरीके की मांग की जा रही है। इस पर आप कितने जल्दी निर्णय लेंगे, ये आने वाला समय ही शिक्षण विभाग पर छोड़ रहा है। हमारे न्यूज़ देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन. Never miss an update.